हेलो एंड गुड मॉर्निंग। उठो, जागो, प्राप्त करो, क्योंकि बेहतर नहीं बेहतरीन बनना है। एंड गाइस, विद बेस्ट पीडीएफ अवेलेबल ऑफ द हिंदू डेली एनालिसिस, आज की क्लास जो है गाइस उसको शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है आज आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और नॉलेज ज्ञान के पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी ओवर हियर, जो आपको दिखाई दे रही है गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट भारत की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम क्या है गाइस, जिसका नाम है IAC-1। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं IAC-1। इसको बनाया किसने है गाइस, इसको बनाया गया है पब्लिक सेक्टर की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, CSL। ये कुछ नाम है जिनको दर्ज कर लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो पहली बार भारत में भारतीयों द्वारा बनाई गई ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपको दिखाई दे रही है, जिसका पिक भी आपको दिखाई दे रहा है गाइज, जो आप देख सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये ज्वाइन करेगी किसको, INS विक्रांत को, लेट अगले साल के अंत में। इसके ट्रायल वगैरह जो है गाइस ये शुरू हो चुकी है। ठीक है, अगर एट प्रेजेंट आप ऑपरेशन की बात करें तो 1 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो INS विक्रमादित्य है। इसको डेवलप जो किया गया है गाइस, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि CSL जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और बाकी इसका कंस्ट्रक्शन और नेटवर्क इंटीग्रेशन वगैरह भी वहां पे किया गया है। इटालियन फर्म जो है उसकी भी हेल्प ली गई है डिजाइनिंग में और सिस्टम इंटीग्रेशन में, और रशिया जो है रशियन फर्म उसकी हेल्प की गई है इन द डेवलपिंग द एविएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बनता है गाइज, एंड याद रखेगा इसके साथ में कि ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, जिसको हमेशा आप जानते हैं कि जितना भी डिफेंस का मैकेनिज्म है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि हम बाहर से ही लेकर आते हैं। ठीक है, तो उन सारी चीजों के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है गाइस, तो इसके ऊपर में जरूर नजर बना के रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वैसे तो ये जो न्यूज है थोड़ी सी पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन पता होना चाहिए आपको। तो अभी फिलहाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो हैं किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू साहब ने इंफॉर्मेशन दी है लोकसभा में कि प्रपोजल जो है उसके ऊपर में सरकार जो है वो थिंक कर रही है, बात कर रही है कि आपका जो वोटर कार्ड होता है, आपका जो इलेक्शन कार्ड है जिस भी राज्य का है, उसको क्या किया जाएगा, उसको आधार कार्ड के साथ में लिंक करने के लिए। ऐसा क्यों बात हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में आपका एक वोटर कार्ड है, उसके बाद आप चले जाते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आप कुछ दिनों से रह रहे हैं तो वहां पे भी आपका वोटर कार्ड हो गया, तो इस हिसाब से अब आप क्या कर पा रहे हैं, आपके पास में 2 वोटर कार्ड हो गए। तो ये जो है, जो मल्टीपल एनरोलमेंट है, इसको खत्म करने के लिए इन चीजों की जरूरत है। इसके साथ में एक और इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट टेक अवे जो आप यहाँ पे रख सकते हैं, वो है कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड जो है, NJDG जो है, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड, ये बता रही है कि 3.93 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। कहाँ पे पेंडिंग है, लोअर एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। 30 जुलाई का ये आंकड़ा है, 30 जुलाई का इस साल का ये आंकड़ा है, जब 3.93 करोड़, मतलब लगभग लगभग 4 करोड़ केसेस जो हैं वो पेंडिंग है लोअर और सब ऑर्डिनेट केस में, कोर्ट्स में। इससे रिलेटेड एक और आर्टिकल है, एक और न्यूज है जो हम लोग देखेंगे, तो उसके ऊपर में भी ध्यान जरूर रखिएगा। इसके साथ में गाइस, इलेक्शन कमीशन, जब आपने ये न्यूज देखा, जब आपने ये न्यूज पढ़ी, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में दो तीन जो जानकारियां हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। हम ये आर्टिकल आपके लिए बार बार लेकर आते हैं ताकि ये चीजें आपके दिमाग में छप जाएं, रिवाइज हो जाएं, री रिवाइज हो जाएं, री 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 रिवाइज हो जाएं। तो चुनाव आयोग जो है वो क्या है, एक परमानेंट और स्वतंत्र बॉडी है, ये याद रखिएगा, और इसको बनाया गया था संविधान के द्वारा, एस्टैब्लिश किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों एस्टैब्लिश किया गया है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर चुनाव।
आर्टिकल 324 जो अनुच्छेद 324 जो है संविधान का, वो प्रोवाइड करता है पावर, ठीक है, किसके लिए, ताकि ये चुनाव में सुपरिटेंड कर पाए, डायरेक्शन दे पाए और कंट्रोल कर पाए। किसके चुनाव को कंट्रोल कर पाए? पार्लियामेंट के, राज्यों के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, ठीक है, इन सारे जो चुनाव होते हैं इनको डायरेक्शन दे सके, इनको सुपरवाइज कर पाए, इनको कंट्रोल कर पाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये अनुच्छेद 324 जो है उसके तहत ये पावर जो है वो मिली है। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इस कमिश्नर जो होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? उनको उसी तरह से आप हटा सकते हैं जिस इस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, वो उनके परामर्श से हटाया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये समझ लिया इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, और देखते हैं आप इसका सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट बॉडी, डायरेक्टली एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोर्ड परमानेंट है, स्वतंत्र है और संविधान ने इसे बनाया, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, आर्टिकल 325 अनुच्छेद 325 जो है संविधान का, वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन को सुपरिटेंड करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, जो भी इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, ये अनुमति दी गई है अनुच्छेद 325 के तहत। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड राइट। ओके, तो गाइज 325 नहीं, आर्टिकल 324 इज द करेक्ट आंसर, एंड बाकी सारी चीजें जो थी वो यहाँ पे सही थी। आर्टिकल 324 जैसे आप देख रहे हैं, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके लिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो नॉट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि लगभग लगभग 4 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है, 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। तो ये जो 4 करोड़ केस पेंडिंग है, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो देखिए गाइस, उसी के लिए बनती है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट दो कारणों से बनती है। एक कारण तो ये होता है कि जो मामले लंबित हैं, जो मामले बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, या वो जो मामले चलते जा रहे हैं, सालों लगते जा रहे हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। और इसके साथ में एक और काम होता है इनका कि गाइस, ये जो पॉक्सो एक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, रेप से रिलेटेड जो केसेस वगैरह होते हैं, उनमें जरूरत होती है कि जल्दी से जल्दी उसमें एक निर्णय आए। उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि जल्दी जल्दी उसमें एक निर्णय आए, जैसे निर्भया वाला जो केस हुआ था गाइस, तो ठीक है, उसके बाद में इन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा ज्यादा जो मांग है वो बढ़ गई थी। तो इसीलिए इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग सब, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस भावना जी, राइट आंसर। प्रखर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। श्रद्धा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है गाइस, तो ये ध्यान रखिएगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके साथ साथ में पॉक्सो एक्ट जो है वो हम लोगों ने पहले भी डिटेल किया, पॉक्सो एक्ट के बारे में भी आप देख लीजिएगा क्या है, उससे जुड़ी जानकारी उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जो यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये कंटिन्यू करने वाले जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे उनको कंटिन्यू किया जाएगा आने वाले 2 सालों के लिए, और उसमें जो खर्च वगैरह लग रहा है उसकी बातें भी यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके साथ में एक और चीज समझिए जो विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है ये डील करने के लिए जुडिशियल जो बैकलॉग है, ठीक है, जो ऑलरेडी बैकलॉग इतना सारा बना हुआ उसको सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे एक और दिखाई दे रहा है वो है आर्टिकल 247 अनुच्छेद 247। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, अगर आप लोगों का अनुभव है पहले का तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और अगर आप नए हैं तो बात मेरी मानिए, अनुच्छेद 247 जो है उसके हिसाब से क्या मिलता है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये पावर मिली है टू एस्टैब्लिश सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, कि कुछ एडिशनल कोर्ट्स वो बना सकता है। व्हाई, क्यों बनाएगा? फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉज मेड बाई और एनी मैटर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। ये ध्यान लीजिएगा,
क्या एनी मैटर इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। आप पढ़ के चले गए कि आर्टिकल 247 अनुच्छेद 247 के हिसाब से पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट एडिशनल कोर्ट बना सकता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, लेकिन मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो तो बारीकी से थोड़ा सा देखिए और याद मत करिए, समझिए, मगअप मत करिए, समझिए, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए। आइए देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू को अब आप सॉल्व कर पाते या नहीं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर प्राइमरी गेटेड टू डील विद जुडिशियल बैकलॉग। तो जो जुडिशियल बैकलॉग है, जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, उनको टैकल करने के लिए, उनको जल्दी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाता है। दूसरा है कि आर्टिकल 247 अनुच्छेद 247 एम्पावर कर रहा है पार्लियामेंट को टू एस्टैब्लिश सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। तो अनुच्छेद 247 जो है एम्पावर कर रहा है किसको, पार्लियामेंट को, किस चीज के लिए, टू एस्टैब्लिश सर्टेन एडिशनल कोर्ट, अलग से आप एडिशनल कोर्ट्स बना सकते हो। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। प्रखर जी की तरफ से आंसर आ गया है, भावना जी की तरफ से आंसर आ गया है, एंड देख लेते हैं गाइज व्हाट इज द राइट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस, वेल डन। तो ये याद रखिएगा गाइस, ये आर्टिकल 247 247 जो है उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, एंड थोड़ा सा एमपी लैट्स, एमपी लैट्स जो है ना गाइस, ये पिछले साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो एमपी लैट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी बनता है। सबसे जरूरी जो है आपके लिए वो ये है कि एमपी लैट्स जो है, एमपी लैट की जो स्कीम है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएं कि क्या है। अगर मुख्यतः अगर आप इसको देखना चाहेंगे, इसको समझने की कोशिश करना चाहेंगे, तो ये है कि जो एक हिसाब से जो आपके एमपीज होते हैं, ठीक है, जो आपके सांसद होते हैं, ठीक है, उनका जो एक लोकल एरिया होता है उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो स्कीम चल रही होती है उसके लिए फंड दिया जाता है, ठीक है। जो उनका लोकल एरिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए उनको एक फंड मिलता है, लेकिन कोविड के समय में हम लोगों ने देखा था क्या कि इसको सस्पेंड कर दिया गया था, एक हिसाब से इन चीजों को क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद में कैसे चीजें जो हैं, ठीक है, उसके कारण से क्या हो गया कि देखिए जब इनको यूज कर रहे हैं आप बहुत सारे एरिया में डेवलपमेंट के लिए इसे यूज कर रहे थे, इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे एरिया में है तो आप क्या करोगे, वहां की बेहतरी के लिए यूज कर रहे थे, और जब ये सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, 2 सालों से, तो क्या होगा, वो जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो प्रोजेक्ट्स क्या हो जाएंगे, वो प्रोजेक्ट्स बीच में रुक जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये जो अनफिनिश्ड या मिडवे प्रोजेक्ट्स हैं इनको कहीं ना कहीं से तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और एमपी लेट्स जो है इससे इससे पहले भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, अगर आप लोगों ने इसको देखा था गाइस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर आपने मिस नहीं किया था। दो तीन चीजें और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसके ध्यान जरूर रखिएगा। एक हो गया जीएसटी, उसके साथ में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के साथ साथ में अगर आप फूड सिक्योरिटी एक्ट को देखेंगे, ठीक है, एफसीआई को अगर देखेंगे, ठीक है, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे बनने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। ये जो फार्म लॉज हैं इसमें एपीएमसी वगैरह जो है, ई मंडी वगैरह जो है, ई नैम जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे आपके 2021 के 10 अक्टूबर का जो एग्जाम होने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा नजर जरूर बना के रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। चलिए तो गाइस ये कुछ आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है, इसको जरूर देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिएगा। एमपी लैट्स के ऊपर में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस में जरूर इसे प्रेजेंट करेंगे। अब बात कर लेते हैं आरटीई एंटाइटलमेंट्स की, ठीक है। आरटीई जैसा आप लोगों को पता है, राइट टू एजुकेशन, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि आरटीई जो है, राइट टू एजुकेशन जो है, इसको कब, किस ईयर गाइस इसको एनफोर्स किया गया था, राइट टू एजुकेशन को किस ईयर एनफोर्स किया गया था, समग्र शिक्षा स्कीम जो है, ठीक है, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है अब 2026 तक, समग्र शिक्षा स्कीम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब क्या किया जा रहा है गाइस, इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर जो है, ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का यूज किया जा रहा है, किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, इसका यूज किया जा रहा है जो भी इसके अंदर जो बच्चे आते हैं उनको टेक्स्ट बुक्स के लिए, यूनिफॉर्म्स के लिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए, ठीक है। तो जो पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या किए जाएंगे, ये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, सरकार की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ में यहाँ पे एक और भी चीज पूछी गई है कि क्या वीकर सेक्शन को ट्यूशन फी वगैरह जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा या नहीं, क्या उसका भी डायरेक्ट पेमेंट आएगा या नहीं। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कोविड के पीरियड में बहुत सारे बच्चों का स्कूल छूट चुका है, बहुत सारे बच्चे जो है लगभग लगभग एक आंकड़ा दिखाया जा रहा था कि 2.5 से 3 करोड़ बच्चे अब शायद कभी वापस स्कूल नहीं आ पाएंगे। तो इन सारी चीजों के बीच में एक इंपॉर्टेंट बनता है, इसको जरूर समझिए। और प्रखर जी, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च, आई रियली नीड टू चेक दैट आउट। ठीक है, तो मैं चेक करके जरूर आपको एक बार बताऊंगा उसको। समग्र शिक्षा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं गाइस, व्हाट इट इज। ठीक है, समग्र शिक्षा को थोड़ा सा देखते हैं। समग्र शिक्षा इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है प्रखर जी की, जरूर शायद हम लोग उस पर आरटीआई जरूर डाल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज कि आप पब्लिक डोमेन में उसके ऊपर में काम कर रहे हैं, बट स्टिल आई विल चेक इट आउट एंड आई विल लेट यू नो। ठीक है, समग्र शिक्षा जो है गाइस ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर फ्रॉम प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक के लिए। ध्यान दीजिएगा, प्री स्कूल से लेके क्लास 12 तक के लिए, यही कुछ लाइंस होती है जो पूछी जाती है। ठीक है, और यहीं पे हम गलतियां कर देते हैं। द प्लान हैज बीन डिजाइन विद द ओवररीचिंग गोल ऑफ, जो स्कूल की इफेक्टिवनेस है इन सारी चीजों को बेहतर करने के लिए ये प्लान बनाया गया है। 3 स्कीम है इसमें। ठीक है, कौन कौन से हैं? सर्व शिक्षा अभियान, जो कि आप बचपन से शायद इसके बारे में सुन रहे होंगे, बहुत पहले से है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, तो 3 चीजों को मिला के यहाँ पे समग्र शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और साथ में टीचर एजुकेशन, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप क्वालिटी एजुकेशन देना चाह रहे हो, एनहांस करना चाहते हो लर्निंग आउटकम को। ठीक है, इसके साथ में आप ब्रिज करना चाहते हो जो सोशल और जेंडर गैप है, सामाजिक और लड़की और लड़के के बीच में जो भेदभाव है उसे। आप इसके साथ साथ में इंश्योर करना चाहते हो कि इंक्लूजन हो सब जो भी लेबल्स हैं स्कूल एजुकेशन का। ठीक है, कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स वगैरह जो है उसको कम से कम अचीव किया जाए। प्रमोट करना चाहते हैं आप कमर्शियलाइजेशन जो है एजुकेशन का, उसको भी, ये भी देख लीजिएगा, ये कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे अरे समग्र शिक्षा में आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को क्यों प्रमोट करोगे। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। आप साथ साथ में क्या करना चाहते हैं, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि आरटीई एक्ट कब लागू किया गया था, 2009 का ये एक्ट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एंड इसके साथ में आप स्ट्रेंथन क्या करना चाहते हैं, जो स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल्स वगैरह हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को और ज्यादा क्या करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज, और देखते हैं कि आप इसे समझ पाए या नहीं। समग्र शिक्षा इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 10। तो ये क्या है, प्री स्कूल से लेके क्लास 10 के लिए है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा, द प्लान हैज बीन डिजाइन विद ओवर रीचिंग गोल ऑफ इंप्रूविंग स्कूल इफेक्टिवनेस, स्कूल को और इफेक्टिव बनाया जाए, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले फॉर स्कूलिंग के लिए, और इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स, हर किसी को पढ़ने का भी बराबरी का मौका मिले। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है गाइज की व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बोला प्री स्कूल टू क्लास 10 नहीं, प्री स्कूल टू क्लास 12, प्री स्कूल टू क्लास 12। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा सही है, तो B2 ऑनली शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये समग्र शिक्षा के ऊपर में जो हमने स्लाइड बनाई है, इसको जरूर आप डाउनलोड कर लीजिए गाइस। ये पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है, जो PDF है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइए अब कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो सर्ट इन है, सर्ट इन का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को आप कह रहे हैं सर्ट इन। ठीक है, सर्ट इन जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि ये क्या है, इसने ऑब्जर्व किया कि मोर देन 6.07 लाख जो है साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट्स हुए हैं फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2021 में। ठीक है, ऑफ विच अबाउट 12,000 वेर रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट इन्फॉर्म लोकसभा। तो लोकसभा में बताया गया ये कि 12,000 के आसपास जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में एक और चीज समझने की कोशिश करिए कि इसमें जब आप सर्टिन ने आईपी एड्रेसेस वगैरह को ट्रेस किया तो
तो ये जो ओरिजिनेशंस हैं ये कहाँ कहाँ से आ रही है इसको भी थोड़ा सा देखिए। अल्जीरिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, ताइवान, टर्की, यूएसए, वियतनाम, बहुत सारे देशों का यहाँ पे आईपी एड्रेस ट्रैक हो रहा है। कभी कभी जानते हैं क्या होता है, ये आईपी एड्रेस को आप क्या करते हैं, मनोवर भी कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी आप चीजों को, अगर आप बहुत अच्छे हैकर हो, तो आप इंडिया में बैठ के ये दिखा सकते हो कि आप कहाँ से वर्क कर रहे हो, आप फ्रांस से कर रहे हो, आप चाइना से कर रहे हो, आप पाकिस्तान से कर रहे हो। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये हो जाती है आपके लिए इंफॉर्मेशन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये कुछ टर्म्स हैं जी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले दिनों में आएंगे। पेगासस स्पाईवेयर आप देख चुके हो, ठीक है। तो ये स्पाईवेयर क्या होता है, बहुत सारी चीजें। तो चलिए आज कुछ टर्म्स को देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का मतलब क्या हो गया, ठीक है। डेफिनेशन वाले टर्म्स में, ठीक है। इन्वॉल्व सिंगल एक्टर्स और ग्रुप्स टारगेटिंग सिस्टम फॉर फिनेंशियल गेन और टू कॉज डिस्ट्रप्शन। तो साइबर क्राइम का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक इंसान या फिर उसके साथ एक ग्रुप है जो टारगेट कर रहा है उस क्राइम को करने के लिए, साइबर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, किस चीज के लिए कर रहा है। या तो वो चाहता है कि चीजों को रोक दिया जाए, डिस्ट्रप्शन किया जाए, या फिर किसी फाइनेंशियल फायदे के लिए किया जाता है। इसको संक्षेप में अगर एक उदाहरण के साथ में समझाऊं तो आप देखते होंगे कोई आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया है। हैक करने के बाद वो क्या करता है कि वो आपको बोलता है कि देखिए आपको आपका कंप्यूटर तभी अनलॉक करने मिलेगा या डाटा तभी मिलेगा जब आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे या 5 लाख रुपए। तो ये फाइनेंशियल गेन हो गया। और डिस्ट्रप्शन, कभी कभी आप सुनते होंगे कि इंडिया कि किसी मिनिस्ट्री के साइट को हैक कर लिया गया, किसी के साइट को हैक कर लिया गया, और वहां पे वो क्या दिखाते हैं कि वहां पे वो अपना मैसेजेस वगैरह शो करने लगते हैं। तो वहां पे वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितने पावरफुल हैं, हमने आपका जो सिस्टम है उसको हैक कर लिया। दूसरा समझते हैं साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या होता है, साइबर अटैक ऑफन इन्वॉल्व गैदरिंग ऑफ पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो साइबर अटैक में कभी कभी आप क्या करते हो कि जैसे मान लो कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, मान लो आपने एफबी के बारे में सुना होगा, व्हाट्सएप के बारे में सुना होगा, आपने गूगल के बारे में सुना है, आपने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सुना, आपने कोई कंपनी वगैरह होती है जो आपसे रिलेटेड है कि वहां पे क्या साइबर अटैक हुआ है, तो उसमें क्या करते हैं वो आपका जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है, उसको वो क्या करते हैं एक हिसाब से उसके ऊपर में एक अटैक करते हैं। उसके ऊपर में एक ऐसा मतलब उसके ऊपर में जो आपके डाटा को ब्रीच करने के लिए, जो आपके डाटा को चुराने के लिए जो पूरा मेथोडोलॉजी यूज किया जा रहा है, उसको साइबर अटैक का आप नाम दे सकते हो। तो साइबर क्राइम, साइबर अटैक, साइबर टेररिज्म क्या है, अब इसको समझो। ये इसलिए होता है ताकि आपके अंदर एक पैनिक और फियर क्रिएट किया जाए। इसको आप टेररिज्म से समझ सकते हैं, आतंकवाद, आतंक फैलाने के लिए। तो साइबर टेररिज्म भी इसीलिए होता है। अब मान लीजिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, वो किसी ने हैक कर लिया, ठीक है, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा ना, वो एक साइबर टेररिज्म का मुद्दा बन जाएगा आपके लिए। अब आइए देखते हैं मैलवेयर क्या होता है। मैलवेयर मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइबर थ्रेट है। मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर है ये क्रिएट किया जाता है बाय साइबर क्रिमिनल या फिर हैकर जो होते हैं। क्यों बनाते हैं इसको, अभी जो हम लोगों ने बोला वही रीजन है, डिसरप्ट करने के लिए, डैमेज करने के लिए आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो भी मशीन है, उसको एक हिसाब से ये जो हैकर्स हैं उसके लिए एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसको आप मैलवेयर कह रहे हैं। स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर जो होता है गाइस, ये सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप कौन सा पासवर्ड डाल रहे हैं, आप क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, आपके पीसी में या फिर आपके मोबाइल में क्या फोटोज हैं, क्या वीडियोस हैं, क्या डाटा है, ठीक है, ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्पाइवेयर आपके क्रेडिट कार्ड का डिटेल जान सकता है, आपके डेबिट कार्ड का डिटेल जान सकता है, वो ये जान सकता है कि आपका लोकेशन क्या है, आप कहाँ पे हैं इस समय, वो आपका कैमरा तक एक्टिवेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें स्पाइवेयर में होती है। रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसम नाम से ही आप समझ जाओगे कि रैंसमवेयर का मतलब क्या है। रैंसम मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, कि जैसे कहते हैं ना कि अपहरण करने के बाद में वो क्या करते हैं कि पैसे के लिए कॉल करते हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे, अपहरण करते हैं। किसका अपहरण करते हैं, आपके फाइल्स का, आपके डाटा का, और कहते हैं कि अगर आप नहीं दोगे पैसा तो हम क्या करेंगे, हम आपका डाटा जो है वो डिलीट कर देंगे, हम आपका जो डाटा है उसको क्या करेंगे एक हिसाब से आपको पैसे देने होंगे, नहीं तो हम इसको हटा देंगे।
और एडवेयर क्या होता है? एडवेयर भी इसके नाम में ही है, एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड टू स्प्रेड मैलवेयर। तो कुछ ऐसे आप बीच बीच में देखते होंगे कि एडवर्टीजमेंट वगैरह पॉपअप कर जाएगी आपके मोबाइल में, जबरदस्ती आ जाती है। जब आप उनमें क्लिक करते हो तो उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद में कुछ नहीं होने लगता, कोई पेज ही नहीं खुलती है, ना आप आगे जा पाते हो ना पीछे जा सकते हो। और वहां पे क्या एक मैसेज लिख के आएगा कि अरे आपका मोबाइल जो है वो खराब हो गया है, या आपका सॉफ्टवेयर सही नहीं चल रहा है, आपका जो मोबाइल है उसमें वायरस आ गया। तो ये सारी चीजें ये एडवेयर करती है। मैलवेयर, स्पाइवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनका डेफिनेशन। तो जरूर इसके ऊपर में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आइए देखते हैं गाइस आज के कुछ इंपॉर्टेंट संपादकीय, ठीक है? तो ओवर द बॉर्डर लाइन, ये हम लोगों ने देखा असम से रिलेटेड जो मुद्दा है, असम और मिजोरम वाला जो मुद्दा, उसके ऊपर में जो चीजें बातचीत जो चल रही है इतने दिनों से, 164 दशमलव कुछ किलोमीटर का एरिया है, लगभग लगभग 165 किलोमीटर का जो एरिया है इन दोनों राज्यों के बीच में, वहां पे टसल चल रही है। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह की वहां पे तैनाती की बातें भी हो रही हैं। इन सारी चीजों के बीच में हम ये देख रहे हैं कि असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर शांतिपूर्वक तरीके से इसे पूरे टोटल एक क्लोजर देना चाहते हैं। तो इन सारी चीजें जो हैं, तो ये लगभग पिछले कुछ दिनों से हम फॉलो कर रहे हैं, आज के अखबार में आया था, तो एक बार फिर से हमने आपके सामने ये प्रस्तुत। नो फंडामेंटल राइट टू स्ट्राइक, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट बनता है। ये कह रहे हैं कि आपको कोई मूलभूत अधिकार नहीं है कि आप स्ट्राइक करें, स्ट्राइक बंदी, ठीक है, हड़ताल जो आप करते हैं ये आप नहीं कर सकते। ये किससे रिलेटेड है पहले इसको समझिए। ये बातें कर रहे हैं गाइज, दे आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मतलब आप समझते हैं जहां पे हथियार बनाए जाते हैं, ठीक है, जो आपका डिफेंस सर्विसेज है उसके लिए जहां पे ये काम होते हैं, तो वहां के लिए बता रहे हैं कि जो कुछ एसेंशियल सर्विसेज वगैरह होती है, ठीक है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या किया कि इंट्रोड्यूस किया एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 का, ठीक है, लोकसभा में। क्यों इसको किया गया, प्रस्तुत किया गया है? टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज सो एज टू सिक्योर की सिक्योरिटी ऑफ नेशन जो है, और जो लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पब्लिक है एट लास्ट, ठीक है, और साथ साथ में, साथ साथ में ये समझिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिवेंट स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज फ्रॉम गोइंग टू स्ट्राइक, ठीक है, कि आपकी जो स्टाफ्स हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करती है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। ये जो बिल है ये एम्पावर करेगा गवर्नमेंट टू डिक्लेयर सर्विसेज जो मेंशनड है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज में, वो प्रोहिबिट करती हैं कि स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं हो सकते। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार में समझते हैं। अनुच्छेद 33 जो है, आर्टिकल 33 जो है वो क्या कह रहा है? आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट मतलब आपका जो संसद है, ये कानून के हिसाब से कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अगर आप आर्मी में हैं, अगर आप पुलिस में हैं, तो आपके राइट को क्या किया जाता है, आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। व्हाई, क्यों किया जाएगा? इसलिए किया जाएगा विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सो एज टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज, ठीक है, ताकि आप अपने ड्यूटी जो है उसको सही ढंग से निभाए, और साथ साथ में मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम, और साथ साथ में आपके अंदर अनुशासन बना रहेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके आर्मी वाले हड़ताल पे चले गए, मान लीजिए आपके जो सैनिक है वो हड़ताल पे चले गए, मान लीजिए आपके जो पुलिस वाले हैं वो हड़ताल पे चले गए, तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो तो बाधित हो जाएंगे ना। ये तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि जिन लोगों के भरोसे पे पूरा देश है वो कैसे जा सकते हैं हड़ताल पे। तो ये इसीलिए अंडर आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 में ये दिया गया, संविधान ये कानून दे रहा है, किसको दे रहा है, पार्लियामेंट को दे रहा है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनके राइट्स को। किनके राइट्स को? ये जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो इनको कौन सा राइट नहीं मिल रहा गाइस? ये राइट है फंडामेंटल राइट्स का टू फॉर्म एन एसोसिएशन, कि आप कहीं पे क्या हो सकते हैं, एक अपना एक एसोसिएशन बना के वहां पे हड़ताल कर सकते हैं। कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(4). तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 4 जो है वो कह रहा है कि आप एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। किसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? आर्टिकल 33 के तहत रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और
ये संविधान में दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले भी एक मुद्दा हम लोगों ने देखा है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में ही दिया था कि हाँ ये बात सही है कि देखिए जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वहां पे अगर आप देखते हो कि स्ट्राइक वगैरह हो रही है तो वो चीजें सही नहीं, ठीक है। तो इस मुद्दे पे आपको क्या अपनी राय रखनी है? हमारा एस्पिरेंट संवाद जब होता है रात में तो आप उसमें जरूर बता सकते हो कि आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से आप देख लीजिएगा गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी का एक कोटेशन भी यूज किया गया है, उसको भी देखिए। गांधी सेड दैट द पुलिस शुड नेवर गो ऑन स्ट्राइक, पुलिस को कभी भी स्ट्राइक में नहीं जाना चाहिए। देयर्स वॉज एन एसेंशियल सर्विस एंड दे शुड रेंडर दैट सर्विस, क्योंकि उनका जो है एसेंशियल सर्विस है और उनको रेंडर करना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पे। उनको क्या पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं इसके लिए उनको हड़ताल नहीं करना चाहिए। देयर वेर सेवरल अदर इफेक्टिव एंड ऑनरेबल मीन्स ऑफ गेटिंग ग्रीवेंस रिट्रेस, ठीक है। और वो कहते हैं कि हड़ताल को छोड़ के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपनी बातों को सुना सकते हैं या मनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आप इस कोटेशन को भी यूज कर सकते हैं अगर एग्जाम वगैरह में आप लिख रहे हैं, ठीक है। और दैट इज इट गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। 194 जो आर्टिकल 19 का 4 जो था क्लॉज, उसमें हम लोगों ने देखा था दैट वाज फॉर असेंबलिंग, ठीक है, असेंबल होने के लिए, टू फॉर्म एन एसोसिएशन। और यहाँ पे देख रहे हैं गाइस कि आर्टिकल 19(1) का ए जो है वो क्या है कि इट इज टॉकिंग अबाउट स्ट्राइक, ठीक है, राइट टू स्ट्राइक। आपको स्ट्राइक करने का जो अधिकार है उसको भी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आज जो आया है उसको देख लेते हैं। तो ये बातें कर रहा है किसकी, एम वेंकैया नायडू। सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये एम वेंकैया नायडू हैं कौन, इन आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ये बातें कर रहे हैं गाइज, ये जो नया डिसीजन आया नए एजुकेशन पॉलिसी के तहत कि 14 अलग अलग भाषाओं में क्या किया जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है उसने परमिट किया है, AICTE का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, की बीटेक प्रोग्राम जो होगा वो 11 नेटिव लैंग्वेजेस में होगा। ये 11 भाषाएं थोड़ा सा देख लीजिए, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगाली, असमीज, पंजाबी एंड उड़िया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक आप मानिए कि स्टेप है टुवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक आप सोच सकते हो कि बदलाव है, क्योंकि वो बच्चे जो अंग्रेजी के बैकग्राउंड से नहीं आते थे वो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो जाते थे इंजीनियरिंग के पढ़ाई से, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती, और अगर वो जाते भी थे पढ़ाई करने के लिए तो हतोत्साहित हो जाते थे क्योंकि वहां पे प्रोफेसर जो है वो इंग्लिश में पढ़ा के निकलेंगे, बाकी जो 20%, 50%, 80% बच्चे हैं वो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं से एक हीन भावना भी आ जाती थी, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि एक सर्वे भी किया गया था AICTE के द्वारा 83,000 स्टूडेंट्स के ऊपर में, जिसमें 44 स्टूडेंट्स ने वोट किया था इन फेवर की भैया इंजीनियरिंग को अगर आप मदर टंग में पढ़ाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मल्टीपल स्टडीज हम देख रहे हैं जो बताती है कि बच्चे को अगर उसकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वो उसके लिए बहुत बेहतर होता है। इवन यूनेस्को और उसके अलावा और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने भी जब स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए, सेल्फ आइडेंटिटी को बढ़ाने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए आपका मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है, उसमें पढ़ाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। यहाँ पे कोटेशन भी यूज किया गया है नोबेल लॉरिएट सर सीवी रमन जी के द्वारा, जिन्होंने कहा था कि वी मस्ट टीच साइंस इन आर मदर टंग, ठीक है, हमें मातृभाषा में साइंस जरूर पढ़ाना चाहिए, अदरवाइज साइंस विल बिकम अ हाइब्रो एक्टिविटी, ठीक है। तो बहुत एक ऐसा एक्टिविटी बन जाएगा जो हर किसी के लिए कॉमन नहीं होगा, इट विल नॉट बी एन एक्टिविटी इन विच ऑल पीपल कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, तो जिसमें हर कोई नहीं भाग ले पाएगा। आप अगर विश्व की बातें करते हैं, अगर आप एशियन नेशंस की बातें करते हैं, तो हम देखते हैं कि सिर्फ एशियन नेशन में आप देखिए साउथ कोरिया में 70% जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कोरियन भाषा में पढ़ाती है, किसी और भाषा में नहीं पढ़ाती है। अगर आप जापान की बातें करें तो वहां पे भी मेजोरिटी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है वो जापानीज में पढ़ाई जाती है। चाइना की बातें करें तो चाइना की जो भाषा ऑफिशियल मैंडरिन वहां पे उस भाषा में पढ़ाई जाती है। यूरोप में आप देखें तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सारी की सारी अपनी भाषा में पढ़ा रही हैं। फ्रांस ने तो फ्रेंच ओनली पॉलिसी जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स के लिए की हुई है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। जर्मनी में भी आप वही देख रहे हो कि अराउंड 80% में जर्मन भाषा में ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में इंडिया
जहाँ पे इतना डाइवर्स रिलीजन्स है, इतना डाइवर्स लैंग्वेजेस है, इतना डाइवर्स एथनिसिटी है, इतना डाइवर्स कल्चर्स है, फिर भी हम मदर टंग को क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इसके साथ में हम लोग देख रहे हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके तहत ये कोशिश की जा रही है। यहाँ पे लास्ट में दो लाइनें जो हैं यहाँ पे मैं जरूर कोट करना चाहूंगा एम वेंकैया नायडू जी की तरफ से, जो है कि एज आई ऑफन से वन शुड लर्न एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ स्ट्रांग फाउंडेशन इन द मदर टंग। अगर कोई इसमें डिबेट कर रहा है कि सर अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़े, अंग्रेजी तो बहुत जरूरी, अरे कोई नहीं बोल रहा कि आप अंग्रेजी मत पढ़िए, लेकिन अपनी मातृभाषा को अच्छे से पढ़िए। मातृभाषा के साथ साथ में आप अंग्रेजी भी पढ़िए। आप अगर हिंदी भाषा क्षेत्र से नहीं आते तो आप हिंदी भी पढ़िए, अगर आप हिंदी भाषा क्षेत्र से आ रहे हैं तो आप तमिल पढ़िए, तेलुगु पढ़िए, बंगाली पढ़िए, ठीक है, मराठी पढ़िए, डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़िए, वो कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन सबसे पहले अपनी मातृभाषा को। और दूसरा, यह एक बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे इन्होंने लिखा है, वो है कि मदर टंग वर्सेस इंग्लिश नहीं होना चाहिए, होना चाहिए मदर टंग प्लस इंग्लिश वाला अप्रोच। ठीक है, तो मदर टंग प्लस इंग्लिश वाला अप्रोच ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मदर टंग वर्सेस इंग्लिश नहीं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको जरूर आप एक बार पढ़िएगा, हम इसका पीडीएफ जो है वो जरूर आपको मुहैया करा देंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जीएसटी के बारे में जल्दी से। जीएसटी में हम लोगों ने बोला गाइस कि आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर मैं ध्यान दे के रखिएगा। जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था, जीएसटी काउंसिल क्या है, कौन उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है, तो ये बता रहे कि 4 साल हो गया जीएसटी को इंप्लीमेंट किए हुए, लेकिन अभी भी इसका जो पोटेंशियल था वो अनरियलाइज है। ठीक है, साथ साथ में ये कह रहे हैं कि जीएसटी जो है ये इसमें अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था वो रेवेन्यू अभी भी नहीं मिल रहा है, खास करके जो स्टेट्स को एक्सपेक्टेड था वो नहीं मिल रहा है। कुछ वीकनेसेस के बारे में बता रहे हैं कि पहला जो वीकनेस अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो है कि इसका जो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर, क्योंकि ये असिमेट्रिकल है, थोड़ा सा ज्यादा केंद्र की तरफ झुका हुआ है, बराबर नहीं है केंद्र और राज्यों के बीच में, और जब डिस्प्यूट होता है राज्य और केंद्र के बीच में, राज्य और राज्य के बीच में, तो उसमें कोई एग्रीमेंट ढंग की जो सोल्यूशन है उसकी भी बातें नहीं की गई है। सेकेंड प्रॉब्लम ये बता रहे हैं कि डिजाइन फ्लॉ है, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें 45 से 50% जो कॉमोडिटी की वैल्यू है ये जीएसटी के बाहर में ही है। बहुत सारी चीजें जो कॉमोडिटी वैल्यूज में अंदर में आ रही है वो अभी भी जीएसटी के वैल्यू बाहर में रखी गई है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्लॉ बन जाता है। तीसरा, अगर आप देखो तो ये बात करें एग्जेंप्शन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेशन, तो अभी रजिस्ट्रेशन और टैक्सेशन जो है इसके इसमें बहुत सारे एग्जेम्पशंस वगैरह मिल रहे हैं, तो वैट के समय में ये नहीं था कि वैट के समय में आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का पे करना पड़ता था, तो ये एग्जेम्पशंस जो है ये कहीं ना कहीं आप क्या कर डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में ये चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं वैट के समय से जो चीजें बहुत बेहतरीन होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही इसी कारण से। चौथा जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है एक्सक्लूजन, कि अभी ना अब तक आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करके रखा हुआ है, आपने उसको जीएसटी में नहीं डालना, आप उसमें क्या कर रहे हो कि एक्साइज बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, आप उसमें क्या है कि अपनी कमाई बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में आप उसको नहीं डालते। ये बहुत सारी चीजें जो हैं गाइस उससे रिलेटेड मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया गया है जीएसटी से रिलेटेड, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। एंड गाइस यहाँ पे आते हैं हम अंत में, इसके साथ में अगर गाइस आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रात 9 बजे एस्पिरेंट संवाद में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फिर से इन न्यूज को। अगर आपको अपने सुझाव, अगर आपको अपने प्रश्न व्यक्त करने हो तो जरूर जुड़िएगा। याद रखिए हमारा और आपका लक्ष्य एक ही है, और वो है बेहतर नहीं।